அரிந்தானியே பிரிமிட்டிவ் வரா குதிரை அங்க அரிந்தானியே பிரிமிட்டிவ் எஸ்மைல் கோ லெட் ये लिखेंगे प्रिमिटिव लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी defined on closed interval ab list of a function phi defined on closed interval ab a function phi defined on closed interval ab is called primitive of f find and set the value of x for all x from closed interval ab. इसके बाद एक थ्योरम डालू अब लिखो थ्योरम अब तो लिख लो थ्योरम लिखेंगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इंपोर्टेंट थ्योरम है राजस्थान 2 में 8 में 16 12 लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इसमें लिखेंगे लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन अरे लिखो लेट एफ बी क्या लिख रहे हो थ्योरम बोल रहे हो Let f be a real value function defined and R integrable. आपने लिखा let f be a real valued function defined and R integrable on closed interval ab. If there exists a primitive function phi of f, then आपको जो शो करना है ना अपनी ये टाइम के बाद में क्या ले ये आपको प्रूव करना है a टू b f of x dx इक्वल टू 5b माइनस 5a ये प्रूव करना है ठीक है ना ये आपको प्रूव करना है प्रूव जान के लिखो आपने r इंटीग्रेबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी आपको ये बोला था हमने कि इसको केवल एक थ्योरम को करने के काम में लेंगे और वह यही थ्योरम है
इसीलिए आर इंटीग्रेबिलिटी की जो सेकंड डेफिनेशन है ना उसको एक बार चेक करो। आर इंटीग्रेबिलिटी की सेकंड जो डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़ लो। समीकरण में लिखाया था जो, पढ़ो जल्दी से। जल्दी करो जल्दी। पढ़ लिया ना, और वही डेफिनेशन हम लिखा रहे हैं, आप लिखेंगे इसमें। लेकिन इसमें देख क्या रखा है, देखो पाई क्या है, प्रिमिटिव फंक्शन है ना। अरे इसमें क्या दिया है आपको, पाई प्रिमिटिव फंक्शन दे रखा है आपको, लिखा है ना आपको। ये क्या है, देयर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव फंक्शन पाई ऑफ है, तो लिखोगे इसमें प्रूफ डाल के गिवन पाई इज ए प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ, गिवन y is a primitive function of f, then ये देखो y dash x equal to f of x, so on x from c to d is equal to equation number one down, then ये बात बोल पे primitive function है तो उसकी definition लिख दी बस। अब आओ इसको, आपको क्या है आर इंटीग्रेबल भी तो कहा है ना इसमें, उसको यूज में लेंगे। लिखोगे यूजिंग, लाइन चेंज करके लिखो यूजिंग सेकंड डेफिनेशन। ये क्या है, using second definition of R integration, एक बात और पाई डैश एक्स है ना, पाई डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मीनिंग ये तो होगा एफ ऑफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो f of x का डिफरेंशिएबल अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसके बाद में लिख सकते हो y of x मान लो, तो f of x के लिए मतलब y of x डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये f of x का डिफरेंशिएशन हुआ, y का डिफरेंशिएशन है इसके, चलो उसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब बात वही हो गई ना, f of x है ना, f of x के इक्वल, हां तो हम ये कह सकते हैं phi of x डिफरेंशिएबल है या f of x डिफरेंशिएबल है, f of x की वैल्यू उसके डेरिवेटिव के इक्वल है ना, f of x की जो वैल्यू है वो phi के डेरिवेटिव के इक्वल है, तो f of x भी यहां क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। लिखो इसमें, अगर यहां थोड़ा सा बच रहा हो तो लिख सकते हो, ये लिख सकते हो यहां, इसके जस्ट पीछे लिख दो यहां, इंप्लाई लगा कर इंप्लाइज लगा के लिख सकते हो, एक काम कर सकते हो, आपने क्या रखा था, इस लाइन को हटा हुआ जो एक लाइन है ना नीचे, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेकंड आर इंटीग्रल की,
इसको हटा दें, इसको हम दबा कर खा लेंगे, बीच में एक लाइन है इसमें। हाँ ठीक है, since f is r integrable, f is r integrable, then phi dash x is also r integrable, phi dash x is also r integrable. Using second definition of Riemann integral. For each epsilon greater than zero, P equal to A, F naught, F naught, X naught, X naught, B. After all interval AB, with a norm of P less than equal to delta, with a norm of P less than delta, such that, क्या थी वो definition? Such that sigma में r equal to 1 with phi dash jaya x r minus 1 minus i के बाहर है वो साइन के वैल्यू क्या आती है df of x dx और ये बोर्ड में क्या लिखा है ना समझे कि नहीं ये थी उसकी डेफिनेशन जाइए आप कहाँ से लिया गया है Then it is differentiable in sub interval x r minus 1 comma x r
यानी जो आर्य तंत्र होता है ना, इसमें भी क्या होगा, ये डिफरेंशियल होगा। यूजिंग लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, यूजिंग लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ओवरऑल डायग्रेस आर कम स्क्वायर सम माइनस वन अपॉन एक्स अप सच दैट, क्या होता था देखो, उसको ऐसे तो लिख सकते हैं लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को इन दो पॉइंटों के लिए, इस डाई आर पर जो डाई डैश आर पर जो वैल्यू होगी ना, पाई डैश डाई डैश आर इक्वल टू कितना, आपको वहां हमने दिखाया था, तो हो सकता है किस फॉर्म में, एवी की फॉर्म में लिखाया होगा, ऐसे लिखाया होगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ओ बी अपॉन में बी माइनस ए, याद है ना कुछ, लेकिन एफ की जगह हम फंक्शन फाई को यूज लेंगे, तो फंक्शन फाई को यूज में लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, फाई डैश डाई डैश आर, और एवी की जगह क्या लिख सकते हैं इंटरवल के जो भारत इंटरवल है ना, इसके पॉइंट्स को काम में लेंगे, क्या लिखोगे यार, पाई ऑफ एक्स आर माइनस का पाई ऑफ एक्स आर माइनस वन अपॉन में एक्स आर माइनस वन, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई ऑफ एक्स आर माइनस पाई ऑफ एक्स आर माइनस वन इक्वल टू पाई डैश जाई डैश आर और साथ में एक्स आर माइनस वन, अगर इसमें आप जाई डैश आर को जाई आर में बी टेक r ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, ये जो लिखी है ना मैं यहाँ, ये वैल्यू यहाँ रख दो इसमें, तो क्या बन जाएगा ये, इसको लिख सकते हो सेकंड एम्प्लाइज माइनस पाई एक्स आर माइनस वन और कितना है ये फिर माइनस, अरे इसको इसमें रख रहे हो ना वैल्यू, कितनी है ये माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, क्या बनाइए, देखो ये सिग्मा जो लगा हुआ है वो इसी पे लगा हुआ है ना, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, ये भरेगा यहाँ रख लो फाइव बी माइनस फाइव ए, अभी बता रहे हैं कैसे बना, माइनस में कितना ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, बताइए फाइव बी माइनस फाइव ए क्यों लिखा हमने, ये सिग्मा लगा हुआ है इसमें और आर की वैल्यू जब वन रखोगे ना तो क्या आएगा, फाइव ऑफ पहले एक्स फाइव ऑफ एक्स वन माइनस फाइव ऑफ एक्स टू, सिग्मा है तो बीच में क्या आएगा फिर प्लस आएगा, आर की वैल्यू कितनी रखोगे टू, तो फाइव ऑफ एक्स वन माइनस फाइव ऑफ एक्स टू यहाँ वन ऐसे ही आता जाएगा लास्ट में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे पाई एक्स वन से पाई एक्स टू यहाँ कैंसिल होता, तो यहाँ तो बनेगा पाई एक्स नॉट और लास्ट में बचता पाई एक्स एन, कई बार किया है ना इस टाइप से, तो क्या बन जाएगा पाई ऑफ एक्स जीरो क्या एक्स जीरो तो ए है और एक्स एन क्या होता बी, तो फाइव बी माइनस फाइव हो जाता है, वही लिखा है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो टेस्ट टू जीरो, तो देखिए यहाँ एक काम और कर ले, अभी इम्प्लाइज फाइव बी माइनस फाइव ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव डैश एक्स यूज में ले सकते हैं, फाइव डैश एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री
देन बी पे क्या हो गया रिलेशन सॉरी एक मिनट रुको यहां ये फाइव डैश एक्स साइड है फाइव डैश एक्स है ना इसे इंटीग्रेशन करना है कितना ये फाइव डैश अब इसको फाइव डैश को एफ ऑफ एक्स लिख दिया फ्रॉम वन फाइव डैश को क्या लिख दिया एफ लिख दिया सिंस एफ करंट इज आर्बिट्री देन वी टेक एफ करंट टेंस टू 0 जब आप एफ करंट को 0 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बनेगा 5b - 5a 5b - 5a और इक्वल कर दे सीधे नियम ये सुन ले माइनस a टू b एफ ऑफ एक्स dx टेंस टू 0 टेंस टू जीरो अब इसको ले जाओ जरा क्या माना ये हम a टू b f of x dx से ये टर्म उधर जाएगा तो ये बना कितना 5b - 5a नोट कर दो इसको करें से नोट करें करो इसको कंप्लीट करो जल्दी से आपकी एक ही क्लास में सर एक ही क्लास में सर हाँ एक ही तो कॉपी बताइए कॉपी बताइए सर कॉपी में पढ़ने नहीं दो पेज नहीं है क्या इतना तो है आप ये ना इतना चाहिए कि कम से कम अभी एक थ्योरम और हो जाए सर एक ही बची है बस नहीं थ्योरम एक ही बची है अब वो होमवर्क में मिलेगी आज बहुत पढ़ लिया है ना अब आपने इसमें तो एक थ्योरम होमवर्क में मिल जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है मतलब आपके माइंड में अब वो पॉइंट्स आ चुके हैं जो यहाँ आते रहेंगे जो यूज में बताना नंबर जैसे सर रे मेरा तो हो गया ये मामले में थोड़ी लक्षण का बात है
कॉलेज की क्यों तू यहाँ बैठता तेरा राउंड लगाता रहेगा कॉलेज का चक्कर लगाने का मतलब यही तो है कि तेरे राउंड लगाएगा लिखे एक थ्योरम लिखो मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या ऐसे लिख दो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस थ्योरम नंबर डाल दो इसको 6.25 और इसमें लिखे या तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या फिर स्टेटमेंट भी आ सकता है स्टेटमेंट लिखो इसको लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी इसका मीनिंग जानते हो ना एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का एफ क्लोज इंटरवल ए बी में आर एंड बी लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी एंड इफ आई एफ इफ कैपिटल एम हाँ एंड के बाद एफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम स्मॉल एम बी बाउंड्स बी बाउंड्स ऑफ एफ बी बाउंड्स बी बी बाउंड्स यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा नहीं बाउंड्स ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू 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 हाँ बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू बी माइनस ए आगे लिखो इसी में लाइन चेंज करो लिखो फर्दर इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी फर्दर इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर C belongs to close interval AB such that F of ये लिखो integration A to B F of X dx is equal to F of C B minus A बस ये theorem और कर दिया ठीक है ना ये एक चरम होमवर्क है आपके लिए इस तरह से ये यूनिट कंप्लीट होती है। अच्छा मैंने आपको बोला था कि वो दूसरी वाली बुक है ना उसमें तीन चैप्टर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके छोटे छोटे करके जो चैप्टर है ना
जैसे थर्ड चैप्टर सेवन वो थर्ड चैप्टर है उसका 50 यूनिट के साथ ऐड है, सेकंड है वो 30 यूनिट के साथ है, फर्स्ट है वो हाँ। तो ऐसे करके क्वेश्चन में बताते भी जाएंगे, वहां लिखते भी उसको सॉल्व कराएंगे। तब अभी आपका इस चैप्टर में यानी इस बुक में एक चैप्टर रहता है सेवन जो कि 50 यूनिट के साथ है, और कल से आपकी यानी अगले दिन से आपकी 50 यूनिट ही स्टार्ट होगी इसमें, ठीक है ना। आपने आपको ध्यान होगा वहां आपने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस हाँ सेकंड यूनिट में पढ़ा था ना चैप्टर थर्ड, वहां तो क्या कर रहे थे हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फंक्शन के लिए, यहाँ जो फंक्शन होंगे उनका कन्वर्जेंस पढ़ोगे, यहाँ चलेंगे वहां तो चल रहा था क्या A0, A1, A2, A3, An इस तरह से सीक्वेंस उसकी टर्म्स आ रही थी, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपके लिए फंक्शन F1, F2, F3 इस तरह से चलेंगे ये, ठीक है ना। इसमें ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और 5-6 थ्योरम्स है, बस 10-12 सवाल है उसमें से आते रहते हैं।